खालिद मकबूल सिद्दीकी ने निज़ाम के मुहाफिजों को आवाम का सबसे बड़ा दुश्मन करार दे दिया। चेयरमैन एमकेएम ने पैगाम दिया है कि मुल्क ऐसे नहीं चल सकता, मौजूदा निज़ाम को पूरी ताकत से गिराना और बिखेरना जरूरी हो गया है। वाज़ह कर दिया कि जिन्हें अस्पताल हुकूमत नहीं खैरात के पैसों से चल रहा है। तब्दीली का तकाजा रखती है, ये निजाम ही सबसे बड़ा दुश्मन है और निजाम के तमाम मुहाफिज भी इस मुल्क के अवाम के, इस मुल्क की तकदीर के, उनके मुस्तकबिल के सबसे बड़े दुश्मन है। इस निजाम को बड़े छन्नाके के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ गिराने, तोड़ने और बिखेरने की जरूरत है। इसके अलावा कोई तब्दीली नहीं।